प्लान्स रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा जी बुलाते हैं। कई बार हम जो चीज़ें चाहते हैं वो वैसे हो नहीं पाती है, हम कुछ चीज़ें प्लान करते हैं और फिर वो कैंसिल हो जाते हैं। मैंने मेरे नासिक राइड के बाद आपको बताया था कि मैं मार्च में एक बड़ा राइड प्लान कर रहा हूँ और वो राइड है अजमेर का, बट ड्यू टू सम रीजंस ऐसे डेट नज़दीक आते आते वो राइड कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे पास दो रास्ते थे, कि वो प्लान ऐसे ही छोड़कर घर पर बैठा रहूँ और अजमेर ना जाऊँ, और दूसरा रास्ता था कि कैसे भी करके अजमेर पहुँच जाऊँ। जैसे कि कहते हैं ना कि इरादे रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साई बाबा बुलाते हैं, तो वैसे ही कि प्लान्स रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा जी बुलाते हैं। तो ख्वाजा जी का बुलावा हमें आ गया था, और वैसे भी एक नई जगह एक्सप्लोर करने मिल रही है, तो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस हम ऐसे ही कैसे छोड़ दे। तो अपन अजमेर जाएगा कैसे, चलो। अरे इंट्रो तो सुन लो। हाय, दिस इज शुभा मैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग्स। अरे रुको, पैकिंग तो अभी बाकी है, एक मिनट। हाँ तो अब ठीक है। टर्मिनस पहुंच गए, ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे आ चुकी है, और हमेशा की तरह हम लोग आज भी लेट है, तो पहला ट्रेन पकड़ते यार भाग के। को ट्रेन का डिपार्चर है, ऑलरेडी 12:26 हो रहे हैं, स्टेशन पे जो है वो ट्रेन आ गई है और अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे, तो लेट हो रहा है हमेशा की तरह, बट पहुंच गए। बाद फर्स्ट स्टॉप आ गया सूरत, 3 घंटे लगे हैं, बट ट्रेन में बहुत गर्दी है यार, पैर दर्द होने लग गया, नींद भी 1 ही घंटे की मिली थी, तो बॉडी भी जवाब देना चालू करेगी अभी। तो ये एक बात अच्छी लगती है कि कुछ टाइम पहले खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं, और अभी एटलीस्ट खाने के लिए की जगह मिली है बैठने के लिए। ये ऐसे सब प्यार मोहब्बत से चलते हैं, वो बहुत ही प्यारी चीज़ है। मैं अभी इसे ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है। चालू हो गया और 5-10 मिनट मतलब ज़रा सा भी थोड़ा बहुत बैठने मिल रहा है, तो इतना सुकून मिल रहा है ना, मैंडेटरी चीज़। चलो यार, एनर्जी ड्रिंक है।
मिल रहा है, मतलब पैर खुले हो जा रहे हैं ना। भरूच पहुंचे अभी, कम चढ़ रहा नहीं तू चल, तेरे को वीडियो के थंबनेल में डालता है मेला। अरे अगर हमको देखो तो आप हमका और अरे 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 मत 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 अरे 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 पकड़ अरे 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 लग गया था। अभी अहमदाबाद स्टेशन आया है, धूल काफी उड़ रही है एक्चुअली स्टेशन पे। चाय देखने जा रहे हैं आगे मिल रही है क्या। अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन रहा है अभी, ये जो नीचे टाइल्स वाइज लगा रहे। चाय नहीं यार स्टेशन पे, वहाँ पे था बट वो डिप वाला था तो वो वाला चाय नहीं चाहिए। चाय तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ट्रेन निकल जाएगा शायद। तो आई एम हैविंग दिस केसर मिल्क। तो फिर से ट्रेन में चले जाते हैं, अभी ट्रेन चालू हो रहा है। खाना खा लिया है, बैठने के लिए जगह मिली है, जैसे भी मिली है यार यही है। अब सुबह तक का सफर निकालना है, 10 बज रहे अप्रॉक्स और 7 घंटे का सफर है, वैसे ही निकल जाएगा। सोने तो ऑब्वियसली नहीं वाले, और बीच में कौन सा स्टेशन है वो, तो इसमें अपलोड स्टेशन आने वाला है, वहाँ पे रबड़ी लेने भी उतरना है, तो वैसे भी सोना तो है नहीं। पहले के लिए मिला है बस, नसीब है हमारा। 12:35 हो रहे हैं और अभी अबू रोड आया। यहाँ की रबड़ी जो है वो काफ़ी फेमस है, मतलब ट्रेन में आते आते इतना नाम सुना के बोलते थे कि पूरा ट्रेन उतर जाता है रबड़ी खाने के लिए। तो चलो पहले ना रबड़ी लेके आते हैं। भाई कितने दे रहे, 90 रुपये दिए भाई। ला भाई, तो ये मिल गया, अभी टेस्ट करते हैं। सच में यार बहुत प्यारी रबड़ी है। अगर आप यहाँ पर आते हो ना ये साइड, तो अब रोड उतर के रबड़ी जरूर ट्राई करना, 30 रुपीज इस स्मॉल कंटेनर के लिए। बट सच में बहुत टेस्टी है, एक और ट्राई करते हैं यार, बहुत टेस्टी है। ये एक और यार, बहुत टेस्टी है सच में, ट्राई करना। ठंडी भी बहुत बढ़ती जा रही है। बर्फ जैसी लग रही है खाने में अभी तो यार, मतलब ठंडी एक तो बढ़ गई है अचानक, रात का टाइम भी है और नॉर्थ साइड भी आए तो। कपड़े के चक्कर में गलत डब्बे में चढ़ गए, सब लोग आगे के डब्बे में, मैं पीछे आ गया। अपूर्ण आने के पहले ना बैठने के लिए जगह मिल गई थी, और बैठे बैठे आग भी लग रही थी तो थोड़ा बहुत मतलब सो भी सकता था। बट सीन ऐसा हो गया कि अपूर्ण आ गया तो सब लोग नीचे उतर गए, और फिर रबड़ी के चक्कर में ना दूसरे डब्बे में भी चढ़ गया था गलती से, तो फिर गर्दी ज़्यादा फिर से बढ़ गया, तो अभी फिर से खड़ा रहना पड़ रहा है, बैठने के लिए तो जगह है ही नहीं। 5 घंटे बाकी है तो अभी ऐसे ही चलना पड़ेगा मोस्टली। देखते हैं, अभी गाने वाने सुनेंगे, टाइम पास करेंगे, क्योंकि सब लोग ऐसे ही खड़े हैं, अभी तो जगह मिली नहीं है बेसिकली। तो अभी डायरेक्ट मॉर्निंग में मिलते हैं, बिकॉज ऐसे ही रहने वाला है अभी तो। वैसे भी बैठने के लिए जगह मिली नहीं है, तो ये जो सफ़र है वो ऐसे ही खड़े रह के चलते रहने वाला है। बस 2 घंटा नींद मिली, अभी फ्रेश लग रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। अजमेर स्टेशन बस 10 मिनट में आने वाला है, अभी 18 किलोमीटर बता रहा है। पर 1 घंटा लेट होने के बाद भी टाइम पे पहुँचे यार, 4:34 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन का टाइम है, वो लोग देते हैं वही टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और अजमेर स्टेशन फाइनली पहुंच गया है,
प्रॉपर टाइम पे पहुंचे हैं, 4:53 हो रहे हैं, 4:55 का टाइम होता है पहुंचने का। सो फाइनली अजमेर स्टेशन के बाहर है, बहुत अच्छा लग रहा है। थंबनेल के लिए फोटो क्लिक कर लेते हैं और अभी होटल भी ढूंढना है जाके। स्टेशन का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब जब चेन्नई में गए थे ना इग्मो स्टेशन तो वैसा स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत। स्टेशन से चल के ही जा रहे हैं दरगाह की तरफ और बेसिकली एक रूम ढूंढना है तो रहने का इंतज़ाम हो सके। छट्टी की वजह से यहाँ पे रूम का सीन है तो इसके लिए आधे लोग रूम ढूंढने के लिए गए और अभी बैठे बैठे कुछ है नहीं तो मैंडेटरी चीज़। 6:40 हो रहे हैं और अभी तक रूम नहीं मिला है और रिहान और मैं ना ऐसे मतलब घूम रहे यार, देख रहे, एक्सपीरियंस कर रहे। और सुबह जो है ना यार बहुत प्यारी, पूरा पिंक हो गया है आसमान, बहुत प्यारा लग रहा है, दिखा दो। अभी शहर जयपुर बस 100-150 किलोमीटर दूर है और उसकी झलकियाँ यहाँ पर दिख रही है, पूरा आसमान एकदम पिंक है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब टाइम जाने के लिए चाय पे चाय ढकेला जा रहा हूँ और चाय के साथ अभी ये, पहले मेरे को लगा था ये खारी है बट फिर खाखरा जैसा भी है, ये खाखरा और खारी का मिक्सर जैसा होता ना वैसा टेस्ट है इसका थोड़ा बहुत, और बहुत बड़ा है काफ़ी, देख रहा हूँ ना। तो ये खाते हैं, अभी टाइम निकालना है कॉल, रूम ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वो टाइम में। ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब 9 बज गए और अभी तक सूरज भी नहीं निकला और वैसे ही ठंडी बढ़ते जा रही है, सुबह 5-6 बजे भी इतनी नहीं थी बट अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये चाय का कप भी अलग है, मतलब जब मैं उमरखेड़ गया था ना तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिमिलर था, मतलब नीचे से छोटा और ऊपर बड़ा ऐसा कप मिलते थे चाय के, बट वो साइज़ में इससे और छोटा था और ये बड़ा है उससे कंपैरेटिवली। तो ये अलग अलग साइजेस भी, मतलब अलग अलग अगर हम जगह जाएंगे तो वैसे देखने मिल जाते हैं। चाय भी अच्छी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, एक रूम देखा है अभी तो वो चेक करके आते हैं कि वो कैसा है। फाइनली इतना ढूंढने के बाद एटलीस्ट सोने के लिए और रेस्ट करने के लिए कुछ तो मिल गया है। सो बैठते हैं सुकून से, 5 बजे हम लोग यहाँ पर आए और अभी अप्रॉक्स 10:30 हो रहे हैं। सो इतना मतलब ऐसे कभी कभी नहीं हो पाता है कुछ अरेंजमेंट्स तो ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। सो फाइनली कुछ तो मिल गया है जिसमें रेस्ट कर सके, अभी फ्रेश हो लेता हूँ और नींद की बहुत ज़रूरत है यार अभी, बिकॉज मतलब सिर्फ 2 घंटे सोया वो भी ट्रेन में तो वो नींद कैसी रहती है। तो ये वीडियो अभी यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू।